दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं जालौन मंडी में हूं। आज हमारे बीच में माननीय सम्माननीय परम आदरणीय परम सद्धे वीरेंद्र कुमार कुशवाहा जी हैं, जो जमरी मानुगढ़ के पास के रहने वाले हैं। जब मुझे पता चला कि आप अपनी मंडी से भी समय निकाल करके अलग से समाज सेवा का काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अपने बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा भी बढ़ाने में आगे आते हैं, तो कुशवाहा जी सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, जो YouTube चैनल सोशल राही को आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आज मेरे दर्शक जो आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एक उम्मीद जुड़ी है कि राही जी कुशवाहा जी से एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिससे कम से कम, अगर मंडी में रहते हैं, मंडी में इनकी आड़त है, तो कहीं ना कहीं हमें जानकारी मंडी के माध्यम से भी मिलेगी। तो सर जी, आप लोगों के बीच में जब भी मैं उपस्थित होता हूँ तो कहीं ना कहीं सवालों को लेकर के आता हूँ। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप थोड़ा शॉर्ट में अपना परिचय दे दीजिएगा। सर जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह कुशवाहा है जी। ग्राम जमरेई मानोगढ़ से पड़ता हमारा जी, और सन 90 से मैंने जालौन निवास बनाया है जी जी, और यहीं पर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जी, और यह आड़त गल्ला मंडी में अपनी आड़त जी। अच्छा, सबसे पहले सवाल मैं करता हूँ वो शिक्षा के ऊपर करता हूँ। कहीं ना कहीं बाबा साहब ने, महापुरुषों ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, तो बच्चों को आपने पढ़ा लिखा कर कितना तैयार किया? बच्चे हमारे पढ़े जी, और दो बच्चे सर्विस। अच्छा, पोस्टेड हैं? पोस्टेड हैं। किस विभाग में हैं? एक इंडियन नेवी में जी, दूसरा पुलिस में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है कि कम से कम बाबा साहब का आपने एक मिशन पूरा किया। तीसरा बच्चा भी एसआई की तैयारी जी जी जी। अच्छा, तो दूसरा सवाल आपसे हमारा कि मंडी का काम आपने कब से किया? सन 90 से। सन 90 से किया जी। तो शुरुआत में तो क्या आपने छोटी सी आड़त खोली होगी? क्या पहले हमने जी काम कर नहीं पाते थे, तो मुनीम होता है नहीं जी, जी 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 जी, लेखा जोखा देखता है जी, तो उससे शुरुआत की है मैंने। अच्छा, जब उसमें परफेक्ट हो गए हम सब हिसाब मतलब बनाने में, तो फिर हमने सोचा कि अब जी दूसरों की गुलामी क्यों करें, जी 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 खुद की काम करें जी। तो फिर हमने सोचा, फिर अपनी एक लाइसेंस बनवाया। अच्छा, और उसमें अपना लाइसेंस बनवा कर अपने लोगों को जोड़ा जी, तो लोगों ने मेरा सहयोग किया जी, और काफ़ी सहयोग किया, तो हम आज अच्छी खासी मतलब दुकान हमारी चलती है। बहुत बहुत साधुवाद। सर जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और मैं कहता हूँ ये लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से, कि सबसे पहले तो आपको रोजगार में आना होगा, हमें बिजनेस भी करने की ज़रूरत है, हमें नेटवर्क में आने की भी ज़रूरत है। क्यों कि अगर मेरी आर्थिक स्थिति न सुधर पाई तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी मेरी भटक जाएगी। सही है, इसलिए हम लोगों को कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत है। पैसा होगा तो हम सब कुछ कर लेंगे, पैसा अगर मेरे पास नहीं होगा तो बाबा साहब के तीन जो मूल बिंदु हैं वो सब बेकार हो जाएंगे। बगैर पैसे के आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो आपने बहुत अच्छा रोजगार अपनाया, और बहुत कम लोग इस विभाग में हैं कि जहां लोगों ने मंडियां खोली हैं। सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप और किसी को भी सलाह देकर के अपने कैटेगरी में और भी खुलवाने का काम करना। जितने भी हमारे लोग हैं अभी तो मंडी में हैं, उनका भी हम बहुत सहयोग करते हैं, और जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं जी, उनका भी हमारे मतलब जो रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग मतलब काम करें। तो सर जी, क्या मंडी में चुनाव वगैरह होता है क्या? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री इसमें भी बनते हैं? इसमें मंत्री बनते हैं। पहले ऐसा होता था जी कि ये बिना वोटिंग के जी जी मतलब ऐसे ही मतलब बना दिया जाता था। हाँ, हाँ। अपना अध्यक्ष किसी को चुन लिया जी, अकेले। इस बार प्रक्रिया हम लोगों ने बदली है, हमने वोटिंग से चुनाव कराया है जी, तो उसमें मतलब हम लोगों को भी उसमें स्थान। अच्छा, स्थान मिला। मतलब तभी किसी ने कहा है
कि इंसान क्या करे, शैतान क्या करे, फरिश्ता भी अपने हालत में क्या करे, किस्मत करामत जब मेरे झूठे हैं तो बचाने के लिए हमें भगवान भी क्या करे। कहीं ना कहीं पहले ठीक है, अन्याय चलता रहा, लेकिन जब हम लोग जागरूक हो गए तो हम अपनी मर्जी से भी काम करेंगे, क्योंकि हमें संवैधानिक दर्जा दिया गया है। सही बाबा साहब को जो मतलब जी उन्होंने दिया है हमें, तो उसका सदुपयोग तो हो, वोट का हमें जैसे अधिकार दिया तो उसका मतलब बिल्कुल बिल्कुल सदुपयोग करें। सर जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि आप कुशवा समाज से बिलोंग करते हैं जिसे मौर्य समाज बोलते हैं जी, तो आपने अशोक लाट के बारे में सुना है? अशोक लाट के बारे में देखो जानकारी ये सुना है कि उन्हें कई वर्षों तक मतलब भारत में राज बिल्कुल 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 सही, और उनकी मतलब आज रुपये पे भी मूर्ति आती जी, है जी 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 तो जी नोट में देखो, नोट में जो चाहे आपके कोई भी नोट हो उसमें आपको अशोक की लाट जरूर मिलेगी, लाट जरूर आती है। तो कहीं ना कहीं अभी हमारे जी कई वर्षों तक उन्होंने मतलब सत्ता में रहे, इतिहास मेरा जिंदा है। और एक जमाना वो हुआ करता था कि सबसे पहले शुरुआत अगर हुई थी बुद्धिस्ट की तो उन्हीं के अशोक सम्राट के द्वारा हुई थी, उन्होंने अपने बच्चों और बच्चियों को श्रीलंका भेजने का काम किया था, वहां से वो निपुण होकर के पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उन्होंने बौद्ध धर्म फैलाने का काम किया था। तो आज अगर शुरुआत हुई है और कहीं ना कहीं जितने भी महापुरुष हुए हैं, मुझे कोई गुरेज नहीं बताने में कि अगर जितने भी महापुरुष हुए हैं बाबा साहब को छोड़ के लगभग वो भी उसी समाज से हुए हैं। अगर जंग लड़ी है लोगों ने तो सबसे पहले ओबीसी आगे आए, तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उनका अनुयायी हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी तरीके से जंग लड़के हम लोगों को यहाँ पहुँचाने का काम किया। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग उनकी एक फोटो दो दो जरूर रखें अपने घर में, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी समझे कि हम अगर मौर्य समाज से हैं तो कहीं ना कहीं मेरे घर में फोटो लगी हुई है। और वो क्वेश्चन भी आपसे करेंगे कि चाचा जी, दादा जी, ये फोटो किसकी लगी हुई, तो आपको बताना होगा कि ये मेरे मौर्य समाज के इतिहासज्ञ है, मेरे मौर्य समाज के राजा रहे, हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। वो बुद्धिस्ट बुद्ध एक बुद्ध धर्म है, धर्म नहीं है, धर्म है, जिससे कम से कम हम लोगों को एक वैज्ञानिक तौर तरीके से चलने को मिलता है। क्यों साहब जी? जी सर, तो बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आपने आड़त खोल के यहाँ रखी है और लोग काफ़ी क्षेत्र के आपको जानते भी होंगे और काफ़ी चर्चा भी हो चुकी होंगी। आज के कम से कम 2-3 साल मैं पहले आपसे मिला था, सही है, तब हमारी मुलाकात हुई थी और कभी मेरे मन में विचार आता था कि मैं सर जी के पास जा कर के और कम से कम उनका इंटरव्यू दिखाएं, जिससे कम से कम लोगों को एक जानकारी मिले कि कुशवा जी का इंटरव्यू राही जी ने दिखाने का काम किया। क्यों सर? नहीं सर, तो और क्या कहना चाहेंगे आप? यही और क्या है, ये सोचती है कि अपनी जो दबा कुचला समाज है जो फिर आगे से आए जी, अपने समाज की तरक्की हो, अपने लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार और नौकरी में जुड़े, तभी उत्थान। भाई हम लोगों को इसलिए आना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि मेरे बच्चे केवल 200-250 रुपए पे काम किया करते हैं, वो दिन भर काम किया करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर काम करेंगे 200-250 रुपए में तो उसमें उनका कुछ नहीं बनेगा, और अगर कहीं बिजनेस पे छोटा पूरा बिजनेस पे दिमाग लगा दिया तो कहीं ना कहीं उनका काम होगा। सर जी, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने बहुमूल समय सोशल राय को दिया, और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साथ में आपको नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ।